इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वोस्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और आयास परफ्यूम्स। मैं हूं मुंतजिर तेरे वास्ते, ये एक गजल संग्रह है जिसको रेनू हुसैन जी ने लिखा है। रेनू हुसैन जी की अगर हम बात करें तो एक साहित्य की दुनिया में बड़ा जाना पहचाना नाम है। उनकी पहले भी कई पुस्तकें आई हैं और एक नई पुस्तक मैं हूं मुंतजिर तेरे वास्ते का विमोचन जो है रोजेट, जो एरो सिटी में होटल है रोजेट, उसमें किया गया। उसमें बड़े देश के जाने पहचाने लोग, साहित्य की दुनिया के लोग मौजूद रहे और फिल्मकार हैं जो मुजफ्फर अली साहब वो चीफ गेस्ट की हैसियत से रहे, डॉक्टर एस फारूक जो कि हिमालय ड्रग्स के मालिक हैं वो भी वहाँ मौजूद रहे, और भी दामिनी जी जो कि उर्दू और हिंदी के लिए पहचानी जाती हैं, कवित्री हैं बड़ी फेमस प्रोफेसर दामिनी जी, वो भी वहाँ मौजूद रही, और भी साहित्य की दुनिया से बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद रहे। और इसी तरह का माहौल, एक बहुत बढ़िया खुशगवार माहौल के बीच में वहाँ पर एक बुक लॉन्च की गई। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हिंदी उर्दू अदब की दुनिया में रेनू हुसैन एक प्रसिद्ध नाम है। हिंदुस्तान व हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों में होने वाले मुशायरे व कवि सम्मेलनों के मंच पर इनको सुना जाता है। कई किताबें भी इनकी मार्केट में हैं। रेनू हुसैन की एक और नई पुस्तक गजल संग्रह मैं हूँ मुंतजर तेरे वास्ते का लोकार्पण 20 जुलाई को एरोसिटी नई दिल्ली स्थित होटल रोजियस में किया गया। इस मौके पर पुस्तक पर परिचर्चा भी की गई। यह कार्यक्रम में हिमालय ड्रग्स कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर सैयद फारूक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और अध्यक्षता प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर मुजफ्फर अली ने की। इसके अलावा प्रसिद्ध हिंदी कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी व प्रसिद्ध हिंदी व उर्दू कवित्री प्रोफेसर कृष्णा शर्मा दामिनी ने विशिष्ट अतिथि की हैसियत से शिरकत की। वोट ऑफ थैंक्स के फराइज मृदुला टंडन ने अंजाम दिए और मंच का संचालन मशहूर शायर फरीद अहमद फरीद द्वारा किया गया। इस खास महफिल में रेनू हुसैन ने साहित्य की दुनिया के चुनिंदा लोगों को शामिल किया। यहाँ वे सब लोग देखने को मिले जिनकी बदौलत आज साहित्य की अजमत बाकी है। इस मौके पर बर्ड ग्रुप की चेयरपर्सन राधा बाटिया, फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, प्रेम बिहारी मिश्र, अनिमेश शर्मा, देवेंद्र गोयल मांझी, डॉक्टर एकता, राजलक्ष्मी राव, ममता किरण, करण सूद, राशिदा बाकीहाया, कंचन वर्मा, सिया सचदेव, ज्योति जुल्का, अपर्णा मनस्वी, विम्मी करण, गीता दीपेंद्र पाठक, गायत्री लूथरा, रिंकू श्राफ, अस्मा गुलजार, अनीता लांबा, इरफान इलाही व अनस खान आदि समाज के जिम्मेदार लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मामा, आज जो आपकी बुक लॉन्च हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है ये किताब का लॉन्च होना। अगर आप एक लेखिका से ही पूछ रही हैं तो उसके लिए बहुत ही खुशी का विषय है एज़ यूजुअल, क्योंकि ये उसी तरह होता है जैसे कि एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे उस दिन कितनी खुशी होती है। तो ये समझ लीजिए कि पांचवा मेरा एक संग्रह है, तीन कहानी संग्रह आ चुके हैं और एक तीन काव्य संग्रह आ चुके हैं, एक कहानी संग्रह और ये अब गज़ल संग्रह पहला आ रहा है। और जो ये मैंने देखा है आपकी बुक का टाइटल बहुत यूनिक सा है, इसके बारे में आप कहानी क्या है आपकी, आप बताना चाहिए? इसका मतलब है मैं हूँ मुंतजिर तेरे वास्ते, यानी कि मैं इंतज़ार में हूँ। अब एक स्त्री का इंतज़ार उसका महबूब भी होता है और वो खुशी के दिन भी होते हैं, और स्त्री तो अपने आप को तब मतलब सफल मानती है जब उसके बच्चे सफल हो जाएं, सेटल हो जाएं, पति का काम सही चल रहा हो, वो खुद अपना उसका घर घर में प्यार का माहौल बना रहे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भारतीय नारी के लिए जो उसे जिसके लिए वो मुंतजिर रहती है, जिसके लिए वो इंतज़ार करती है कि कौन सा वो खुशी का दिन आएगा। सर, आज जो बुक लॉन्च हुई है इसके बारे में आप क्या विषय देना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत होनहार पोएट हैं और मुझे लगता है कि इनमें गहराई है, सोच है, मोहब्बत है और आज के जो दौर की जो फिक्रें हैं सब हैं। शी विल डेफिनेटली ग्रो इनटू अ बिग पोएटेस, अभी भी शी इज़ अ बिग पोएटेस। शब इंतज़ार की कश्मकश न जाने कैसे सुबह हुई, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। ये है मुंतजर और इंतज़ार। एहसास के शोलों में पहरों को ही जलता है, तब जाके जहन के दरीचे से एक शेर निकलता है। तो शायर बड़ी जस्तजू और बड़ी जाफिशानी से आशार लिखता है और उससे समाज सीखता है कि क्या कहना है। खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाज़ा गुफ्तगू से होता है। बहुत ही खूबसूरत लिखी है। अब तक मैंने उनकी सारी कविताएं पढ़ी हैं पर ये गज़ल की बुक पहली है।
और ऐसी भाविक लिखती हैं ये कि दिल को छू जाती है। और मैम जो ये लस्सी बुक लॉन्च हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? लस्सी बुक ये मैंने बच्चों के लिए आगे फॉरवर्ड की है क्योंकि आजकल के बच्चों को लस्सी का नाम ही नहीं पता है, वो तो स्मूदीज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ लिखी जाए जो हमेशा के लिए रहे। बहुत खुशी का मौका है, वो किताब तो कहीं भी लॉन्च हो पूरी दुनिया में, और किताब का मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं एक और ज़्यादा, जितना हमारा समाज पहले सभ्य सुसंस्कृत था उससे कहीं बेहतर हो गया। एक किताब आने के बाद कुछ ना कुछ वो संस्कार लोगों को देगी, कुछ संदेश देगी, कुछ मशवरे देगी, क्योंकि पोइट्री इज़ ऑल अबाउट लव। जो चीज़ें हम खोते जा रहे हैं, जो जीवन मूल हमसे बिछुड़ आ रहे हैं, उनको दोबारा से वो करना, यही कवि करता है। जो समाज में कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो निगेटिव हैं, उन पर वो आवाज़ उठाता है, पर जागरूक करता है, वही रेनू हुसैन ने किया है। हालांकि इसमें मोहब्बत और इश्क उस पर जोर थोड़ा ज़्यादा है, वो गज़ल में ये ज़रूरी भी है और ज़िंदगी में भी ज़रूरी, बिना मोहब्बत के तो दुनिया नहीं चलेगी। और समाज में जो कुछ है उसको लेकर के भी बहुत सारे अशआर हैं, तो एक बहुत अच्छा संग्रह आया है। मुझे खुशी की बात ये है कि रेनू हुसैन की कविताओं की किताब में एक गज़ल थी, तो मैंने जब अपना वहाँ व्याख्यान दिया था तो बोला था, तो मैंने कहा था भाई इसमें एक गज़ल है तो आप गज़लें लिखो, तो वो आज मैं देख रहा हूँ कि पूरा संग्रह आ गया, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज जो किताब लॉन्च हुई है, मैं हूँ मुंतज़िर तेरे वास्ते, ये गज़लों का कलेक्शन है रेनू हुसैन, बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। और आप देखेंगे कि गज़ल का लफ्ज़, गज़ल का जो मतलब होता है उसमें है कि गज़ल लिखी कैसे जाती है, किसके लिए लिखी गई। तो आमतौर पर लोग समझते हैं कि मेरे महबूब के लिए लिखी जाए, और उसको जब लिखते हैं तो जान निसार रखकर अगर आप शब्द सुने कि गज़ल क्या है, गज़ल का फन क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जैसे। और रेनू हुसैन उसी गज़ल के लिए क्या कहती है, मेरा दर्द मेरा ईमान बन गया, मेरी गज़ल का सामान बन गया। और अगर मैं समाज सेविका की तरफ से बात करूं, क्योंकि मेरी संस्था साक्षी समाज सेवी संस्था 30 साल से काम कर रही है, औरतों के लिए बहुत काम करती है। इनका एक शेर है औरतों के लिए, बेटियों के लिए, ये नेमत यूं ही तो मिलती नहीं है, नहीं रौनक जहां बेटी नहीं। अगर बुक्स की बात करें तो वो गज़ल पर उस पर है, गज़ल पर आधारित है, लेकिन गज़ल के हवाले से अलग हट के हम बात करें रेनू साहिबा की शख्सियत पर, वो एक ऐसी शख्सियत है मुआशरे को समाज को उन्होंने कुछ दिया ही है। क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि वो एक राजनीति परिवार से घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, और साहित्य में आ जाना ये बहुत सौभाग्य की बात है, और उस पर तेवर को नर्म रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरीके से वो राजनीति घराने से आती हैं और उनकी शायरी में जो नर्म गोशी की नज़ाकत पाई है, और जो उन्होंने गज़ल के ज़रिए कविताओं के ज़रिए उन्होंने जो संदेश दिए हैं, कहीं कहीं तो उन्होंने कहानियों के ज़रिए भी समाज को प्रभावित किया है। गज़ल का आना, किताब का आना, मैं हूँ मुंतज़िर तेरे वास्ते, ये तो ठीक है, ये एक ज़रिया है समाज में आने का, समाज में मैसेज देने का, लेकिन वो हकीकत में लिखने एक अलग चीज़ है, वो करके भी दिखाती हैं। मैं इसका उदाहरण देती हूँ, जब भी कोई छोटे छोटे प्रोग्राम होती हैं या कोई भी उन्हें तंजीम बुलाती है, वो कभी इनकार नहीं करती। इतने उनका आला मकाम है कि उन्हें चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे खास व्यक्ति हो, उन्हें जो भी मधु करता है वो कभी इनकार नहीं करते। तो ऐसी शख्सियत का कलाम आ जाना हमारे लिए बाई से फ़ख्र है, समाज में एक संदेश जाता है, कौमी एकता के हवाले से संदेश जाता है। जब तक ऐसे लोग ज़िंदा हैं और हमारे समाज में हैं, और किताब के ज़रिए, कविता के ज़रिए, गज़ल के ज़रिए, साहित्य के ज़रिए, अदब के ज़रिए वो कुछ ना कुछ खास करते हैं, ये लिखना उनका बहाना है या उनकी हकीकत है, ये तो आप जब पढ़ेंगी गज़ल को, मैं हूँ मुंतज़िर तेरे वास्ते, जैसे जैसे प्यार, गुंटी, ये सारी कहानी उनकी जो किताबों के नाम हैं, जब आप पढ़ेंगी तो मैं आपसे भी सलाह यही देती हूँ कि एक बार उनकी किताब को ज़रूर पढ़िए,